दोस्तों कैसे हम सब उम्मीद कर दो ठीक ठाक होंगे और खेल रहे होंगे। तो दोस्तों इतने दिनों बाद हम ब्लॉग में आ रहे हैं, तो हम डक को खा लेते हैं। बाकी छोटी वाली बची, बड़ी वाली टूट गई, इसमें हम पानी डाला करेंगे, बाकी फिर जो खान खिलाना बन वो डाला करेंगे। बाकी दोस्तों कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है, तो मैं इन दोनों कबूतरों को यहाँ पे चढ़ा हुआ है। आपको तो पता होगा इसकी कबूतरी झाँक गई थी और उसका जो एक बच्चा था वो भी मर गया। तो दोस्तों मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये है इसका एक बच्चा था कबूतर का, तो वो बच्चा भी इसका मर चुका है। जो एक था एक तो पहले ही मर गया था, बाकी एक बच्चा था वो बड़ा हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम नानी के यहाँ जाते तो वो भी मर गया था। हम घर पे नहीं थे तो हम था, हम देखभाल कर रहे थे इनकी। बाकी जो मरी है बच्चा पता नहीं कैसे मरा होगा, मुझे तो वो भी बाहर आ गई थी। ये तो वही आपको पता होगा कहीं भाग कर आई थी। तो दोस्तों मैं अंदर किले में छोड़ देता हूँ, और बाकी सिराजन का बच्चा भी दोस्तों सुस्त हो रहा है, एक्टिव नहीं है जैसे हमारे पहले कबूतर के बच्चे हुआ करते थे। वो माशाल्लाह से एक्टिव भी थे और एक साथ बहुत सारे निकलते थे, लेकिन ये इसका बच्चा एक ही निकला था बेचारा, वो भी सुस्त हो रहा है। देखें मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं भी ला के दिखाता हूँ, कुछ खा लीजिए। देखें दोस्तों ये बच्चा है बेचारा, बहुत बीमार हो रहा है, इसकी तो आंखें भी ख़राब हो गई। देखें दोनों आंखें बिल्कुल बंद हैं, यानी शायद ये भी बंद हो गई। माशाल्लाह से वाइट निकला था और इसके पैरों पर भी बाल थे, लेकिन बेचारा बहुत सुस्त हो गया और इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो बाकी गुब्बारा और शिराजन तो उसको खाना खिला रहे हैं, बल्कि शिराजन नहीं खिला रही, गुब्बारा तो उसको खाना खिला रहा है। बाकी तो देखते हैं ये कब तक जिंदा रहता है। तो बाकी देखें डगने इतनी जल्दी रोटी फिनिश भी कर दी। बाकी दोस्तों देखें हमारे यहाँ सारे कबूतर हैं, तो मैं अभी कबूतर आता हूँ जल्दी से। दोस्तों पिजन को भी फ्लाइंग करवाते, पिजन भी रोटी खा लेंगे यहाँ पर नीचे, फिर तोतों को अपडेट दे लेता हूँ। बाकी हमने तोतों को न्यू चौक लगा। तो दोस्तों देखें हमारी फिंच का तो पता नहीं क्या हाल है, ये अंडे देती हैं, बच्चे पता नहीं निकालती हैं निकालती, हमने इनका अभी तक देखा नहीं क्या इनके अंडे या बच्चे, अभी तक कुछ पता ही नहीं है इनका तो। और बाकी यहाँ पे हमने चौक लगा दिए, ये चौक खाएंगे बड़े मज़े से, और थोड़ी थोड़ी इन्होंने खाना भी शुरू कर दिए। देखें आप लोग, बाकी ये बैठे हुए तोते हैं, न्यू वाला तोता ये बैठा हुआ हमारा, और बाकी दोनों वो अंदर भी आ गया, तोता भी आ गया, तोती भी आ गया। पता नहीं इन्होंने अंडे दिए हुए नहीं दिए हुए, यहाँ पर घो सकते हैं इनके बच्चे हो। और बाकी दोस्तों यहाँ पे एक तोती, एक तोता और उसका बच्चा है, बच्चा तो ये बैठा हुआ यहाँ पर, ये बैठा हुआ बच्चा और उसका बाप वहाँ बैठा हुआ ऊपर शायद, या वो अंदर होगा, हाँ ये आ गया। और बाकी तोती भी अंदर है, उसने अंडे दिए हुए शायद, ये हो सकता है बच्चे निकल गए उसके भी। तो बाकी मैं आपको यहाँ पे खा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी हमने चौक लगाई है, और बाकी यहाँ पे भी लगाई हुई है चौक देखें। और इनका एक जो बच्चा था वो हमने निकाल के इसमें शिफ्ट कर दिया, इनके साथ तालाब है, वो कहाँ गया वो रहा, वो बैठा हुआ देखें। हमने आपको बोला था कि हम शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये बहुत होशियार है, हमें आने देंगे तो हम करेंगे ना कुछ, निकालने देंगे निकालने ही नहीं देते। तो बाकी इनके में भी ये लगी हुई चौक, और बेचारी तोती सुस्त हो रही है, हालांकि इसके बच्चे निकल गए, अब पता नहीं क्या हुआ इसको, अब हम क्या करें इसका। आप लोग बताएगा अगर कुछ दवाई वगैरह होगी तो, इसको नज़ला भी हो रहा है, इसकी आंखें भी सूज रही हैं,
बेचारी अपने बच्चों के पास नहीं बैठ सकती अब। इसके दो बच्चे हैं, तीन निकले थे, एक अंडा ख़राब हो गया था, चार अंडे देते इसमें टोटल तीन बच्चे निकले थे जिसमें से एक छोटा वाला मर गया, बाकी दो जिंदा हैं अभी, देखते हैं वो भी सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। बस बिलू वाला खाना खिलाने को क्योंकि धोती मटकी में कम जा रही है। तो बाकी दोस्तों ये रही हमारी डव, जैसे आपको पता होगा इसकी पूंछ निकल गई थी, मैं पिंजरे की सफाई कर रहा था तो ना मैं डव को पकड़ रहा था, इसकी पूंछ में रात में आ गई थी और ये खुद अंदर चली गई थी। बाकी ये देखें ये रही डायमंड डव छोटी वाली, अंडे तो दे रही नहीं है। और बाकी ये रहे सारे तोतों के बच्चे। तो ये थी हमारे तोतों की अपडेट। बाकी कबूतर ये आ रहे हैं, सुफियान ने उड़ाई भी, तभी मैं आपको उड़ाता हूँ, आपको नीम कबूतर को उड़ा के दिखाता हूँ। दोस्तों अभी पीछे खेलना पड़ेगा।